नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और हर बार की तरह आज हम घूमते हुए पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर। ग्वालियर में मौजूद है 8वीं शताब्दी में निर्मित एक किला जिसे जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। देश के सबसे खूबसूरत किलों में से एक माने जाने वाला ग्वालियर का यह किला आज एक शानदार पर्यटन स्थल है। शहर के केंद्र से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले का निर्माण दो भागों में हुआ है, साथ ही यह कई बार एक राजवंश के कब्जे में तो दूसरे राजवंश तक गया है। इतिहासकारों की माने तो किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन ने किया था। किले में कई ऐतिहासिक स्मारक जैसे बुद्ध, जैन मंदिर और महल मौजूद हैं। यूं तो लोग ग्वालियर किले के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो आइए हम यात्रा को शुरू करते हैं आपके साथ ग्वालियर के किले की यात्रा। दोस्तों, संख्या 0 का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड इसी ग्वालियर के किले के मंदिर में से पाया जाता है। मंदिर किले के टॉप पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक पत्थर का शिलालेख मिला जो शून्य चिन्ह के दूसरे सबसे पुराने रिकॉर्ड का प्रमाण है। बता दें कि यह शिलालेख 1500 साल पुराना है। ग्वालियर किले का नाम एक ऋषि ग्वालिपा के नाम से ग्वालियर किला पड़ा है। इतिहास की माने तो राजा सूर्यसेन, जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया था, वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उस समय ग्वालिपा नाम के एक ऋषि ने उन्हें एक पवित्र तालाब से पानी लाकर दिया था। वह पानी पीने के बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गए, इसलिए सूरजसेन ने उनके नाम पर इस किले को बनवाया। बाद में इस किले का नाम ग्वालियर किला पड़ा। अभी आप देख रहे हैं राजा मान सिंह का महल, जो इसी किले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। राजा मानसिंह तोमर का जन्म ग्वालियर के तोमर राजपूत शासक राजा कल्याणमल के यहाँ हुआ था। उसने 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया। अपने वर्षों में तोमर कभी कभी दिल्ली के सुल्तानों के साथ झगड़ते थे और कभी कभी सहयोगी भी रहे। अन्य स्त्रियों में उनका विवाह मृगनैनी से हुआ। तोमर ने मृगनैनी के लिए प्रेम के स्मारक के रूप में उसके लिए एक महल के रूप में गुजरी महल का निर्माण किया, जो कि ग्वालियर किले में ही मौजूद है। परंपरा यह है कि एक रानी के रूप में मृगनैनी बहुत सुंदर और साहसी महिला थी। उसे अपनी निचली जाति के कारण अन्य रानियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने अपने लिए एक अलग महल गुजरी महल नाम से मांगा। तोमर एक महान योद्धा और संगीत के महान संरक्षक थे। उनके दरबारों के 9 रत्नों में से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार तानसेन थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के संरक्षक थे। तोमर को सिकंदर लोदी को हराने का श्रेय दिया जाता है, जो उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। ग्वालियर किले के भीतर मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित मानसिंह महल, जिसे अभी हमने आपको दिखाया, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं। ग्वालियर राज्य को स्वर्ण युग देने वाले राजा मानसिंह तोमर कुशल राजनीतिक और योद्धा ही नहीं, उच्च कोटि के संगीतकार भी थे। दर्जनों रागों के अलावा शास्त्रीय संगीत में सबसे सम्माननीय माने जाने वाली गायन शैली ध्रुपद का आविष्कार भी राजा मानसिंह ने किया था। 15वीं सदी में देश भर में मुस्लिम लोधी आक्रमणकारियों का खौफ फैला था, लेकिन खुद लोधी शासक दिल्ली से ग्वालियर आने में खौफ खाते थे। कई बार आक्रमणों में राजा मानसिंह से हार जाने की वजह से उनके हौसले पस्त हो गए थे। इतिहासकार अचंभे में पड़ जाते हैं कि राजा मानसिंह जैसा योद्धा इतना बड़ा संगीतकार भी था। राजा मानसिंह कोई शौकिया गायक नहीं थे, बल्कि उन्होंने ध्रुपद जैसी संगीत शैली को जन्म दिया, जो आज देश की सबसे सम्मानित शैली मानी जाती है। राजा मानसिंह तोमर अपने लिए खुद गीत लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और तब गाते थे। शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने के लिए उन्होंने मान कुतूहल ग्रंथ की रचना भी की। इस ग्रंथ का अरबी और फारसी में कई बार अनुवाद किया गया है। मानसिंह की गाई राग रागिनियों के प्रभाव सूफी संगीत पर भी दिखते हैं। मुगलकालीन फारसी साहित्यकार फकीरुल्ला ने लिखा, मुझे नहीं लगता कोई राजा या प्रशासक मानसिंह के बराबर गायन शास्त्र में प्रवीण हो सकता है। अकबर के शासनकाल के दौरान इस किले का प्रयोग एक जेल के रूप में भी होता रहा है। इसी किले में
अकबर के भतीजे को भी कैद किया गया था। पानीपत के युद्ध के बाद 1559 ईस्वी में अकबर ने ग्वालियर पर कब्जा किया था और उसके बाद इस किले को जेल के रूप में भी उसने प्रयोग किया। मुगल साम्राज्य के वंशज औरंगजेब के समय तक यह किला मुगलों के अधीन रहा, पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहद से राजाओं के पास इस किले का नेतृत्व चला गया और कुछ समय बाद सिंधिया राजाओं ने इस किले पर हमला कर इसे अपने अधीन ले लिया। जल्द ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से इस किले को सिंधिया हार गए। इस किले में एक और मंदिर है जिसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में शाही सास और बहू के बीच विवाद हुआ कि किस देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार उन्हें संतुष्ट करने के लिए यह अनोखा मंदिर बनाया गया जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा होती है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि इस किले की संरचना रक्षात्मक है। कहने का मतलब ये कि किला इतना मजबूत है कि अगर कोई किले पर अटैक करने की कोशिश भी करता तो किला गिरेगा नहीं बल्कि सीधा खड़ा रहेगा। देश की आज़ादी के लिए 1857 में लड़ी गई पहली जंग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 2 जून 1858 को किले पर बागी सेना का परचम फहरा दिया था। रानी के आते ही जयाजीराव सिंधिया, जो उस समय वहां शासक थे, भागकर अंग्रेजों के पास आगरा पहुंच गया। ग्वालियर किले पर झांसी की रानी ने किया था कब्जा। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अहम भूमिका निभाई थी। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया तो रानी ने अपनी सेना से इसे विफल कर दिया। जनवरी 1858 में अंग्रेज सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्च में शहर को घेर लिया। हफ्ते भर की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी बेटे दामोदर राव के साथ झांसी से बचकर भाग निकलने में सफल रही। झांसी की रानी काल्पी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। इसके बाद ह्यूरोज ने काल्पी को घेरा और रानी को वहां से भी भागना पड़ा। 2 जून को सुबह ग्वालियर की सेना की बताई हुई कमजोर प्राचीर को तोड़कर विद्रोही सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर के कम उम्र के राजा जयाजीराव सिंधिया कूटनीति के तहत भागकर अंग्रेजों की शरण में आगरा चले गए। ग्वालियर विजय की खबर सुनकर बिठूर से नाना साहब पेशवा भी ग्वालियर किले पर रानी से आ मिले। रानी लक्ष्मीबाई को इस बात की आशंका थी कि अंग्रेज जयाजीराव को आगे कर ग्वालियर पर आक्रमण कर देंगे तो ग्वालियर की सेना हथियार जरूर डाल देगी। ऐसे में रानी को किले से बाहर निकलना पड़ा और उसके बाद उनके बलिदान के बाद आज़ादी के लिए लड़ रही पूरी सेना तितर बितर हो गई। ग्वालियर के इसी किले की एक दीवार से उन्होंने अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई और कुछ दूर पार स्वर्णरेखा नदी के उस पार उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वहां पर एक सन्यासी उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक ग्वालियर शहर में आज भी मौजूद है। इस समय हम मौजूद हैं उसी वॉल पर जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ कूदकर इस देश के लिए अपने आप को बलिदान किया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, समय काल में ग्वालियर के इस किले ने अलग अलग रंग देखे हैं, चाहे वो इसका स्वर्णिम काल राजा मानसिंह के समय में रहा हो या 1857 की वीरता की कहानी कहता हुआ ये प्राचीन किला आज भी अभेद्य और अद्भुत है। इसकी यात्रा आपको विस्मृत कर सकती है, तो एक बार आइए जरूर और घूमिए इस खूबसूरत ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले में पहुंचने के लिए आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली किला गेट पहुंच सकते हैं, जो कि इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसके अलावा विनयनगर साइड से, या ये कहूँ बहोड़ापुर गेट साइड से भी आप इस किले में प्रवेश पा सकते हैं। इस किले में मौजूद है भारत के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध स्कूलों में से एक, सिंधिया स्कूल। दोस्तों, ग्वालियर का किला विश्व धरोहर स्थल में भी चिन्हित किया गया है। इसके अलावा यहाँ मौजूद गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ भी एक
बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इतिहास के मुताबिक जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। उन्हें लगभग 2 साल तक कैद में रखा। किंवदंतियों के मुताबिक गुरु हरगोबिंद को कैद किए जाने के बाद से जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरुजी को आजाद करने का हुक्म मिलने लगा। जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और इसी दौरान मुगल शहंशाहों के किसी करीबी फकीर ने उसे मशविरा दिया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी को तत्काल रिहा कर दें। लेकिन गुरुजी अड़ गए कि उनके साथ 52 राजाओं को भी रिहा किया जाए, लिहाजा उनके साथ 52 कैदियों को भी छोड़ दिया गया। जहांगीर के मुताबिक उन 52 राजाओं को रिहा करना मुगल साम्राज्य के लिए खतरनाक था, लिहाजा उसने कूटनीतिक आदेश दिया। जहांगीर का हुक्म था कि जितने राजा गुरु हरगोबिंद साहिब का दामन थाम कर बाहर आ सकेंगे वे रिहा कर दिए जाएंगे। सिख गुरु चाहते थे कि उनके साथ कैदी सभी राजा रिहा हो, लिहाजा गुरु जी के भाई जेठा ने युक्ति सोची। जेल से रिहा होने पर नया कपड़ा पहनने के नाम पर 52 कलियों का अंगरखा सिलवाया गया। गुरु जी ने उस अंगरखे को पहना और हर कली के छोर को 52 राजाओं ने थाम लिया। गुरु जी के इस कारनामे की वजह से उन्हें दाता बंदी छोड़ कहा गया। बाद में उनकी इस दयानतदारी की याद में बनाए रखने के लिए ग्वालियर किले पर उस स्थान पर एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया जिसका नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब रखा गया है। तो दोस्तों, आज हमने घुमाया आपको ग्वालियर का विश्व प्रसिद्ध किला जिसे जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।